जी, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार मंडी गई थी। पहली बार इसलिए क्योंकि हमारी सोसाइटी के हिसाब से लड़कियां मंडी नहीं जाती। पहले तो मुझे ये लॉजिक बिल्कुल भी समझ नहीं आता था, पर आज जाने के बाद थोड़ा थोड़ा एहसास हुआ कि नहीं जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि लड़कियों का यहाँ पे काम ही क्या है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम प्यारे प्यारे जानवरों को देख के हम सिर्फ ये कह सकते हैं, ओ कितना क्यूट है। हम कौन सा उसका मुंह खोल कर देख सकते हैं कि ये दोंदा या चौका। एनीवे, इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि काफी अच्छा था, मतलब सही था। लड़कियों को और क्या चाहिए, आप बाहर उसको बस दो मिनट घुमाने के लिए ले जाओ, वो खुश हो जाती है। हम भी कुछ उसी कैटेगरी में आते हैं। खैर, ये हमारे रिलेटिव ने मंडी लगाई थी तो इधर बैठने की जगह मिल गई, वरना तो जो धक्कम पेल हो रहा था ना, तोबा है। वैसे एक रिग्रेट है मुझे, जोगर्स या शूज पहन के आने चाहिए। इरादा तो छपड़ी वाली स्टिंग पीने का था, पर ड्यू से काम चला लिया। और इतनी गर्मी है ना, गर्मी ने भी अपनी अत मचाई हुई है। और गर्मी से मैं बेहाल, स्ट्रीक बनाना तो सबसे ज्यादा जरूरी काम है हमारा। दुनिया इधर की इधर हो जाए पर स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए। खैर, मैं पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी दोस्तों ने क्या कह के स्ट्रीक टूट रही है, स्ट्रीक टूट रही है, स्ट्रीक भेजो पागल कर दिया। उसके बाद अब मैं भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ। सुबह उठ के ब्लैंक स्ट्रीक भेजती हूँ तो सबको उस पर भी मसला होता है कि ब्लैंक क्यों है। खैर, भूख से बेहाल हमने इतनी जगह ढूंढी। पहले तो आधा रास्ता हमारे इसी डिस्कशन में गुजर गया कि खाना क्या, देसी खाना, जंक फूड खाना, देसी खाना, जंक फूड खाना। फिर हमें ये जगह मिली जिसकी एम्बियंस काफी तंग थी, मतलब बहुत हब्बस थी अंदर। खैर, गर्मी भी तो इतनी है, पर टेस्ट इनका काफी अच्छा था। लोकल फूड के हिसाब से तो बहुत अच्छा था, या फिर हमें भूख बहुत ज्यादा ही लगी थी और हम खाने पे ऐसे टूट पड़े जैसे सदियों से हमें कुछ खाने को ना मिला। और ये बात भी सच है, जितनी आपको भूख लगी हो ना, उतना आपसे खाया कभी भी नहीं जाता। अपनी नियतों को साफ रखा करें और इतना ही मंगवाया करें जितना आप खा सके। इसी के साथ सबको अभी से एडवांस में ईद मुबारक।